छींक हम सभी को आती है। यह शरीर की एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रक्रिया है, जो ब्रेन को बताती है कि हमारी नाक के अंदर कोई बाहरी चीज प्रवेश कर रही है। दरअसल हमारे शरीर में कुछ स्नीज सेंटर होते हैं जो उन मसल्स को संदेश भेजने का काम करते हैं जो छींक को पैदा करते हैं। इनमें से कुछ मांसपेशियां सीने में होती हैं, यानी कि चेस्ट में होती हैं, कुछ वोकल कॉर्ड में, कुछ गले में और कुछ पेट में। ये सभी एक साथ एक्टिव होती हैं और नाक में प्रवेश करने वाली उन एक्सटर्नल चीज़ों को, बाहरी चीज़ों को बाहर फेंकने का काम करती हैं। छींक आने के लिए सभी के नर्व सिस्टम एक तरह ही काम करते हैं, लेकिन उनका रास्ता अलग अलग होते हुए ब्रेन तक पहुँचता है। यही वजह है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग वजह से भी छींक आती है। मसलन किसी को धूप में जाते ही छींक आती है, तो किसी को आईब्रो प्लक करते हुए आती है। छींक प्रतिरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा है, यानी कि इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह हमें स्वस्थ रहने में हेल्प भी करता है। अगर नाक में किसी तरीके का बैक्टीरिया और वायरस पहुंचता है तो नाक को साफ करने के लिए छींक आती है। जब कोई बाहरी चीज नाक में प्रवेश करती है तो ब्रेन के निचले हिस्से में हलचल होती है। यहां से तेजी से गले, आंखों और मुंह को कसकर बंद करने के लिए मैसेज भेजे जाते हैं। इसके बाद चेस्ट मसल्स तेजी से सिकुड़ती हैं, यानी कि कंस्ट्रिक्ट करती हैं, श्रिंक होती हैं, और फिर गले की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। अब इसका नतीजा निकलता है कि एयर सलाइवा और म्यूकस के साथ मुंह और नाक से बाहर तेजी से निकलती है। छींक लगभग 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करती है, ट्रैवल करती है, जबकि एक छींक हवा में 1,00,000 जर्म्स स्प्रेड कर सकती है। कई बार लोगों को लाइट सेंसिटिविटी की वजह से धूप में आने से छींक आने लगती है, जबकि कई लोगों को वर्कआउट के दौरान हाइपर वेंटिलेशन की वजह से मुंह और नाक के ड्राई होने के कारण छींक आती है। चेहरे के बालों को प्लग करने के या फिर कोई दूसरे अन्य कारणों से भी छींक आने लगती है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।